नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जाने आज बिजनेस में होगा फायदा या नुकसान, हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा आज का दिन, क्या आपको आज मिल सकती है मनचाही नौकरी, क्या आपको आज मिलेगा आपका लव पार्टनर। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब जानते हैं 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास श्रावण है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:26 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज आद्रा सुबह 10:49 तक रहेगा, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग हर्षण योग सुबह 11:45 तक रहेगा, इसके बाद वज्र योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 5:41 तक गोचर करेंगे, इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:43 तक होगा। आज चंद्रोदय सुबह 4:16 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज राहुकाल सुबह 10:45 से शुरू होकर 12:27 तक रहेगा। आज श्रावण शिवरात्रि है। अब जानते हैं 2 अगस्त 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। आज आप जीवन में समस्याग्रस्त स्थितियों के लिए अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आप उत्साह और ताकत से भरे हुए हैं। आपको पता चलता है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए किसी की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। ये समझें कि आप किसी भी स्थिति के अनुकूल होने में सक्षम हैं और जो आपके रास्ते में आ सकती है और जो जीवन से सबसे अधिक प्राप्त कर सकती है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का यही कहना है। लव लाइफ में आज आप घर में शांति व प्रेम की भावना को हर ओर व्याप्त पाएंगे। इससे आपके साथी व बच्चों के साथ आपके संबंध अधिक मजबूत बनेंगे। करियर में आपकी संप्रेषण कला, आकर्षक व्यक्तित्व व विषम परिस्थितियों में भी आसानी से काम कर लेने की क्षमता के कारण व्यवसायिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इससे प्रेरणा लेकर और मेहनत से काम करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपको ठोस योजना बनानी चाहिए। देखिए, आप सामने आई एक एक आर्थिक चुनौती का जमकर सामना करते हुए आप अपने लक्ष्य को छू लेंगे। हेल्थ के मामले में आज भी मानसिक तनाव रहेगा, आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। आप चिंता ना करें और अपने किसी रुचि भरे कार्य में मन लगाएं। हरे रंग में कुछ पहनने से आज सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। दोपहर 1:30 से 2:30 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण खुद पर भरोसा रखें। आप कठिन परिस्थिति में भी आसानी से काम कर सकते हैं। आपके लिए जीवन थोड़ा कठिन होगा। आपको सही और गलत के बीच फर्क समझना होगा। लव लाइफ में प्रेम संबंध में आज नई जान आएगी। अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर आप नई शुरुआत करने को तैयार हैं। ऐसा करने से जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा व आपके साथी को भी सुख की प्राप्ति होगी। करियर के मामले में आपकी सकारात्मक सोच ऑफिस में आपके साथियों पर अच्छा प्रभाव डालेगी। इससे आपकी सफलता के दरवाजे खुलेंगे, इसलिए अपनी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का पूरा प्रयोग करें। व्यवसायिक मोर्चे पर आज आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए सही योजना बनाकर चलने से फायदा होगा। किसी भी काम को पूरा करने के लिए सही नीति बनाकर चलने की आपकी क्षमता और योग्यता की बदौलत ही आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे और इस तरह आपके सामने आर्थिक लाभ के भी अवसर आएंगे। हेल्थ के मामले में आज आप उदास हो सकते हैं। चुनौतियां भी होंगी, परंतु आप अपना मूड अच्छा बनाए रखें। कोशिश करें कि आज का दिन बीतने दें, कल फिर नई शुरुआत होगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार 2:15 से 3:45 तक का समय भाग्यशाली रहेगा। गुलाबी आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज आप थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहें, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। दिन के अंत में आप आराम महसूस कर सकते हैं। लव लाइफ में आपके रोमांटिक जीवन में गलतफहमी व मतभेद के कारण कलह होने की संभावना है। अपने किसी विश्वासपूर्ण दोस्त को सुलह कराने को कहें। अपनी प्रबंधन कला से आज आप ऑफिस में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें।
हालांकि आपको वो लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके और फिर उस दिशा में प्रयास करने चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में आप अपनी तकनीकी योग्यता के दम पर लंबे समय से लटकी किसी समस्या से निजात पा लेंगे। इससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी होगा। इससे आपको न केवल शाबाशी मिलेगी बल्कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमाने की क्षमता भी बढ़ रही है। मेहनती लोगों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा, शायद पदोन्नति भी मिले। हेल्थ के मामले में आज के दिन कुछ तनाव रह सकता है, आप विचलित महसूस कर सकते हैं। शांति से काम लें और इसका कारण सोचें, इसी आधार पर कोई हल निकालें। आज आपका शुभ रंग सफेद रहेगा। सबसे शुभ समय सुबह 11 से दोपहर 12:30 का रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए आज क्या है खास। प्रिय कर्क राशि के जातक, आज के दिन आप ऑफिस और बिजनेस में सोच समझकर काम करें। आप पॉजिटिविटी से आज अपने करियर में ग्रोथ पाएंगे। किसी पर भरोसा ना करें, क्रिएटिविटी से काम करें। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ में आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर साथ घूमने से संबंध में नई मजबूती आएगी। अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपको अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों की सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी सफलता से सभी को लाभ मिलेगा। आपकी खुद को एक तरफ रखकर दूसरों से काम करवाने की जो क्षमता है उसे पूरी टीम फायदे की तरह देखेगी और पूरी टीम आपके साथ मिलकर काम करेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के बल पर आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यही नहीं, करियर में भी अच्छे मौके मिलेंगे। एक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करके चलने से आपको सफलता हासिल करने में आसानी होगी। हेल्थ के मामले में आज आप बहुत कोमल और विनम्र हैं। आपके दिमाग की स्थिति आपके स्वास्थ्य में योगदान दे रही है। आप आराम पर ध्यान दें, आपके लिए यही हितकर होगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 2 से 3 का समय आपके लिए लकी होगा। भूरा रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, ये समय आपकी मेहनत का फल पाने का है। धन, मान्यता और सफलता इस समय लेने के लिए आपके पास सब कुछ है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है। ये आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का आनंद लेने का बहुत अच्छा समय है। आखिरकार आपने उन सभी पुरस्कारों के लिए बहुत अधिक मेहनत की है जो आपको इस समय जीवन में मिल रहे हैं। काम के लिए समय बाद में मिल जाएगा। अभी इन सब चीजों का आनंद लें और अपनी उपलब्धियों की महिमा का आनंद लें और अपने आप को बधाई दें और खुद पर गर्व महसूस करें। लव लाइफ में आज आप फैसला करेंगे कि अपने साथी के साथ संबंध लंबे समय तक चलाएं अथवा नहीं। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने व निर्णय लेने के लिए ये उत्तम समय है। अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को आपको अपने व्यवसायिक अनुभव से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी सी कोशिश से ही परेशानी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। छोटी मोटी परेशानियों से हार न माने। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में आपकी लगातार मेहनत रंग लाएगी। अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। अपनी हिम्मत बनाए रखें, कड़े कदम उठाएं, मेहनत करते रहें और धैर्य भी रखें। फिर देखिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। हेल्थ के मामले में अनचाहा तनाव कम करें वरना आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। ज्यादा तनाव से आप बीमार पड़ सकते हैं जिसका असर अल्प अवधि या लंबे समय में देखा जा सकता है। योग और ध्यान करने से आराम मिलेगा और स्वास्थ्य सुधरेगा। आज महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शाम 5 से 6 का समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। आज के दिन का गुलाबी रंग आपका भाग्यशाली रंग रहेगा। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, स्थिति आज आपके लिए खुशी और उत्साह लेकर आएगी। आप अपने पारिवारिक और निजी संबंधों पर ध्यान दे सकते हैं। अपने करीबी लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। आज आप अपनों से विशेष लगाव महसूस कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार आपको इस दिन का उपयोग पिछले दिनों में ध्यान की कमी की भरपाई के लिए करना चाहिए। परिवार के साथ में कुछ अच्छे पल बिताएं। लव लाइफ में आज आपका साथी आपको प्यार के इजहार से हैरान कर देगा। आप दोनों ने संबंध सुधारने के लिए जो प्रयास किए हैं ये उसी का फल है। आप भी प्रेम प्रदर्शित करें वो अपने प्रेमी के लिए कुछ आश्चर्यजनक परिस्थितियां पैदा करें। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत व ईमानदारी से ही आप बढ़ते
काम के बोझ को संभाल पाएंगे। आपकी मेहनत से आपको व आपकी संस्था दोनों को ही लाभ होगा। काम में कोताही करने पर संस्था इसे आपकी कमजोरी के रूप में ले सकती है, इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखें। भविष्य में आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। जहां तक रुपए पैसे का सवाल है, जरूरी है कि आप जल्दी फैसला लें। बेमतलब के कामों में और बातों में समय जाया करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। सफलता के लिए जरूरी कदम उठाएं। हेल्थ के मामले में आज आप मानसिक तनावों से घिरे रह सकते हैं। जिंदगी कभी चुनौतीपूर्ण भी बन जाती है, इसलिए आप धैर्य ना छोड़ें और अपने चेहरे पर हंसी बरकरार रखें। खुद को समझाएं कि कोई परेशानी बड़ी नहीं हो सकती और आप में हमेशा से उसे हराने की क्षमता है। कोशिश करें कि आज नारंगी या गुलाबी रंग का कुछ पहनने से बचें। आज के लिए आपका लकी समय सुबह 10 से 11 तक रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय तुला राशि के जातक, आज आप कुछ भावुक हो सकते हैं। आप कुछ नया सीखने के मामले में नए लोगों से जुड़ सकते हैं। चीजें संतुलन से बाहर भी हो सकती हैं, तो आपको आवश्यक परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, शांत दिमाग रखने की कोशिश रखें। लव लाइफ में यदि आप किसी के साथ संबंध में नहीं हैं, तो अपने गुणों को पहचान कर व आधार बनाकर एक नई शुरुआत करें। अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने से घबराएं नहीं, आपको हैरानी भरा सुखद एहसास हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। अगर काम आपकी सोच के अनुसार ना भी चले तो भी परेशान ना हो। ये सारी परेशानियां अस्थाई हैं, जो कि समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। समस्याओं से निपटने की अपनी क्षमता और धैर्य के बल पर आप आर्थिक मुश्किलों से पार पा लेंगे। अपना प्रदर्शन और कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी बातों पर ध्यान दें और अपने अधीनस्थों की भी राय लें। व्यवसाय में हड़बड़े में लिया गया कोई फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। झटपट पैसा कमाने की बजाय टिकाऊ लाभ के लिए सोचें। हेल्थ के मामले में आज के दिन आराम करें और गहरी सांसें लें, ताकि आप हर समय अच्छा महसूस करें। ये वक्त गुजरते ही आप फिर से पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। आज शाम 7 से 8 का समय आपके लिए लकी रहेगा। लकी कलर लाल रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन आप सभी परेशानियों को भूलकर उन चीजों में शामिल होना चाहते हैं जो आपको खुशी देती हैं। दोस्तों और परिवार के साथ शानदार समय बिता सकते हैं। ये पल ऐसी यादें बनाएंगे जिन्हें आप हमेशा संजो कर रखेंगे। लव लाइफ में अपने साथी से आप स्नेह की प्राप्ति होगी। जो लंबे समय से संबंध में है वे इस बात पर गर्व करेंगे। जो संबंध में नहीं है वे नए साथी से बहुत जल्दी मिल सकते हैं। करियर के मामले में इस समय आपको अपने सपनों को समझकर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े तो भी पीछे ना हटें। कार्य क्षेत्र में भी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच व हिम्मत के बल पर आप आसानी से इनका सामना कर सकेंगे। अच्छी और आरामदेह जिंदगी की आपकी चाहत आपको वो ऊर्जा देगी कि आप पल पल बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आज के दिन मेहनत के साथ साथ एक सही योजना बनाकर भी चलना होगा। अपना आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको खुद ही पहल करनी होगी। हाँ, योजना बनाना आपके लिए और अमल करना आपके लिए दूसरों की सहायता से होगा। हेल्थ के मामले में आज आप अपनी सेहत अच्छी पाएंगे, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ज्यादा तनाव ना लें। 2 से 4 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपका लकी कलर नीला रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, आप अपने जीवन को संतुलित स्थिति में आज पा सकते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। कुछ चीजें आपको आराम और जीवन की शांति को प्रभावित करते हुए दिखती होंगी, तो उस स्थिति में शामिल ना हो। अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए ऊर्जावान बने रहें। रोमांस के लिए अच्छा समय है। अपने प्रेमी के साथ बाहर जाकर समय बिताएं। आपके परिवार के लोग जो पहले इस संबंध के खिलाफ थे वे भी अब इसके हक में हो जाएंगे। करियर के मामले में आपकी रचनात्मक सोच से व्यवसायिक क्षेत्र में आपको काम करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों को आपकी मेहनत के लिए एक अलग पहचान भी मिल सकती है। अपने दृढ़ संकल्प और हिम्मत के दम पर आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल होंगे। जरूरी है कि इस वक्त आप अपने काम पर ध्यान लगाए रखें।
अपने अनुभव और रचनात्मक ऊर्जा के सहारे आप अपना आर्थिक लक्ष्य पा लेंगे। आर्थिक लाभ के कुछ नए मौके आजमाएं, इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। हेल्थ के मामले में आज आप महसूस करेंगे कि तनाव का स्तर बढ़ रहा है और ऊर्जा कम हो रही है। आप किसी भी अनचाही खबर से तनाव को बढ़ने ना दें। आप ठंडा दिमाग रखें और ज्यादा तनाव ना लें। थोड़ा योग और आराम करें। शाम 5 से 7 का समय आपके लिए लकी रहेगा। पीला रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आप अपने मित्रों और परिवार की उन सभी के लिए बहुत सराहना महसूस करेंगे आज जो वो आपके लिए करते हैं। कृतज्ञता आपके रिश्ते के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप अधिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो आप पहले की तुलना में अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। इस समय का उपयोग उन लोगों को कुछ वापस देने के लिए करें जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि परिवार के किसी सदस्य से संबंधित कोई अच्छी खबर आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी लेकर आएगी। आज रोमांस के लिए अत्यंत सकारात्मक समय है। अपने प्रेमी को कार्ड आदि लिखकर भेजने के लिए आप इस कार्य के लिए प्रशंसा पाएंगे। करियर के मामले में आज आप आत्मनिरीक्षण की स्थिति में रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर जाना है और रास्ते में क्या कुछ करना है। इससे भविष्य में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रुपए पैसे को लेकर थोड़ा दबाव तो होगा पर आप अपने गंभीर प्रयासों से इससे पार पा लेंगे। निवेश के मामले में आप कुछ नए प्रयोग करें और नए विचार और नई योजना पर भी विचार करें। आपकी आर्थिक सफलता आपको खुद के निर्णय पर निर्भर करती है। हेल्थ के मामले में आज सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है, इसे सावधानी बरतें। इन बीमारियों का कारण बढ़ता तनाव है, इससे तनाव कम करने की कोशिश करें। इष्टतम परिणामों के लिए दोपहर 3:30 से शाम 5 का समय आपके लिए लकी रहेगा। आज आपके लिए लकी कलर ब्राउन रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आप अपनी समस्याओं को भूलने और उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं जो आपको खुशी देती है। जीवन में सरल सुख जैसे दोस्त और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना आपको हमेशा खुश करता है, लेकिन आप शायद ही कभी इसका आनंद लेने का समय निकाल पाते हैं। हालांकि अब आप ऐसा करने के लिए समय और साधन खोजने में सक्षम होंगे। आज की प्रफुल्लता आपको जीवन भर के लिए यादों के साथ संजोए रखेगी। लव लाइफ में आज आप अपने साथी के लिए रोमांस भरा दिन पाएंगे। यदि आप अकेले हैं तो बाहर निकलकर लोगों से मिलें। ये सोचें कि आप अपनी प्रेम भावनाओं को किस तरह अपने प्रेमी से व्यक्त कर सकते हैं। करियर के मामले में आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आपको अपने प्रयासों के परिणाम तुरंत मिल सकेंगे। अगर आप काम को नए तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रचनात्मक होना होगा। आपके धैर्य और समस्या को समझने की क्षमता के कारण हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आपकी रचनात्मक क्षमता आपको आर्थिक सफलता दिलाएगी। किसी अनुभवी साथी की सलाह भी काम आएगी। लेखकों को अपनी योजना पर अमल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ के जो मौके सामने आ रहे हैं उनका सदुपयोग कीजिए। हेल्थ के मामले में आज आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ना ध्यान लगाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारें। आज आप परेशान रहेंगे और आत्मविश्वास कम रहेगा। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है। आज के लिए आपका शुभ रंग गुलाबी रहेगा। शाम 4 से पहले का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, ये वही दिन है जब आप अपने जीवन के चुनौतीपूर्ण पहलुओं के जवाब में लचीले और अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आपने अभी अभी महसूस किया है कि जीवन में आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने से चैलेंजिंग सिचुएशन से निपटने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आप खुद को किसी भी मुद्दे के अनुकूल बनाएं और प्रत्येक स्टेप से सीखें। जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन खुद को ढाल कर उन्हें हल करने की कोशिश करने से आपको अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। लव लाइफ में आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आप आगे चलकर प्रेम संबंध बना सकते हैं। आपकी जिंदगी में रोमांस आने के लक्षण हैं, इसलिए इस समय को व्यर्थ ना गवाएं। आत्मविश्वास में वृद्धि ही आपकी व्यवसायिक सफलता की कुंजी है। खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
काम को चलाने की आपकी आदत के कारण आपके काम का बोझ व मानसिक दबाव बहुत बढ़ सकता है। आज करियर के मामले में अपने काम में अपनी महारत के कारण आपको आज आर्थिक लाभ भी मिलेंगे। असल में आप अपने नियोक्ता के लिए अच्छी कमाई करेंगे और बदले में वो आपको इसका इनाम देंगे। हेल्थ के मामले में ये आपका तनावपूर्ण समय रहा है जिसकी वजह से आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ा है। आज आपको महसूस होगा कि आप खुद को जरूरत से ज्यादा ऑफिस के कार्यों में व्यस्त कर रहे हैं। आज तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लें। आज के दिन आपका शुभ समय सुबह 10 से 11 का रहेगा। लकी कलर पीला रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।